अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का मौसम बहुत खूबसूरत हो गया है। और अभी सुबह का टाइम है। अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप निकलनी शुरू हुई है, कुछ आसमान पे बादल भी हैं, हवा चल रही है, मौसम बहुत मज़ेदार और काफ़ी प्लेजेंट हो गया है। मॉर्निंग में अच्छा होता है, फिर मिड ऑफ द डे थोड़ा सा हॉट हो जाता है, फिर दोबारा इवनिंग में जौन सा है वो ठंडा हो जाता है। तो मैंने आपको ये बताना था कि यहाँ पे मैंने पौधे कुछ अरेंज किए थे, एंड देन वो स्कोरल जौन सा है वो आता है, जिसको गुलेरी कहते हैं, वो आजकल काफ़ी पाइन नट्स जौन से हैं वो गिरते हैं, और ये सीज़न है विंटर से पहले, तो वो सारे नट्स को जौन सा है ना वो हाइड कर रहा है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। ताकि विंटर जब आए तो वो निकाल के उसको नट्स को खाए। तो मेरे सारे पौधे रोज़ सुबह जौन से मिट्टी बाहर होती थी, तो इसलिए मैंने गूगल किया, तो वहाँ से मुझे पता चला कि अगर आप विनीगर थोड़ा सा पास रखें, क्योंकि विनीगर से वो उनको विनीगर की स्मेल अच्छी नहीं लगती और कॉफ़ी की स्मेल अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए तो मुझे लग रहा है कि कुछ उसका फ़ायदा है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, अदरवाइज़ मेरे सारे पौधे जौन से है ना वो ख़राब कर रहे थे। तो ये थी एक बात। और दूसरा, अभी घर अंदर चलते हैं और सबके लिए नाश्ता बनाते हैं, खुद भी चाय पीते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी आपसे, क्योंकि अक्टूबर का महीना है और हॉलोवीन है, और लोग आजकल घर भी सजा रहे हैं, अपने लिए कॉस्ट्यूम भी परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो हॉलोवीन डे पे कॉस्ट्यूम पार्टीज़ होती हैं, और सब लोग अपने आप को डिफरेंट तरीके से जौन से है ना वो रेडी करते हैं। तो चलते हैं और अपना डे स्टार्ट करते हैं। और पौधे देखें मेरे कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और ये इतना खूबसूरत पौधा था, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा, और वो हिरन ने पूरा उसको ऊपर से खा लिया था, अल्लाह का शुक्र है। फिर थोड़े थोड़े पत्ते निकलने शुरू हुए हैं, और हिरनों ने काफ़ी वैसे काम ख़राब किया, बहुत सारे पत्ते उन्होंने, बहुत सारे पौधे मेरे ख़राब कर दिए। चलें कोई बात नहीं है, फिर उग जाएंगे। तो लेट्स गो, अपना डे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हर किसी की कोशिश होती है कि मेरा सबसे जौन सा है ना वो बेस्ट हो, और लोग अक्सर देखने भी आते हैं। ये देखें गाइस, ये तो पूरा लग रहा है जैसे किसी मूवी का सेटअप किया हुआ है। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी हॉरर। बस हवा निकल गई। A few inches later, ये वन मोर स्केरी ऑब्जेक्ट्स देखें। हर घर ने हैलोवीन की वजह से ना अपने घरों को इस तरह डिफरेंट डिफरेंट स्केरी चीज़ों से डेकोरेट किया हुआ है। मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, क्या है ये, पता नहीं क्या चीज़ है ये, बड़ा सा बिल्ला है, कोई मॉन्स्टर टाइप की कोई चीज़ लग रही है ये। इसमें हवा भरी हुई है, ये आई थिंक पैराशूट का बना हुआ है।
ये देखें, ये पता नहीं बहुत बड़ा कोई डॉग है, उसका स्केलेटन है, और ये कोई ह्यूज इंसान है, कोई पता नहीं कितने 100 साल पहले कोई होगा ये, इतने लंबे कद्दों वाला। तो ये भी इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है अपने घर को, ये देखें। डरने वाली बात नहीं है वैसे, डरना नहीं। ओके, 80 minutes later, मौसम देखिए कितना खूबसूरत हो गया, काले काले बादल, ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने आपको दिखानी थी चीज़ें जो आई हुई हैं, बहुत हॉरर टाइप सी, वो लोग कैसे ख़रीदते हैं और फिर जौन सा है ना वो बनाते हैं, डेकोरेट करते हैं अपने घर को। ये देखें, ये भी हॉरर सी शर्ट्स भी है, ये भी हैलोवीन में आप पहन सकते हैं क्योंकि मौसम थोड़ा सा सर्द तो हो गया। हाँ जी, ये वाला है जो ज़्यादा देखने में मज़े का लग रहा है और एक्साइटेड भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? जो लोग रेडी होते हैं ना हैलोवीन के लिए, उसकी ये सारी एक्सेसरीज पड़ी हुई हैं, आपके इयररिंग्स हैं और आपके हेयर बैंड्स हैं, ये लैशेज हैं, नेल्स हैं, ये देखे ना, ये सारी इन्हीं महीनों में नज़र आती हैं हैलोवीन के एरियाज में ही। जब हैलोवीन होती है ना तभी ये नज़र आती हैं, बाद में ये गायब हो जाती हैं। ये देखें, ये सारी चीज़ें हैं, ये हैं वो स्केलेटन्स, लोग यहाँ से लेके जाते हैं और उनको करते हैं। और ये वो सारे स्टिकर्स हैं, ये भी देखें, ये भी कुछ चीज़ें हैं, कैंडल्स, ये भी सारी डेकोरेट के लिए हैं। काफ़ी स्केरी स्केरी सी चीज़ें हैं, ये सब लोग लेके जाते हैं और फिर घरों को डेकोरेट करते हैं। ये सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, ये इसी तरह बच्चियाँ जो सी हैं इसी तरह रेडी होती हैं, जैसे ये पिक्चर में है ना, ये पूरा कॉस्ट्यूम है उसी तरह का ही, साथ पूरा मेकअप एवरीथिंग करके, और फिर स्कूल में फंक्शंस होते हैं वहाँ पे जाते हैं। ये देखें, ये ऊपर देखें, ये वही जो घरों के बाहर लोगों ने लगाए हुए हैं, ये बैलून्स टाइप से बने हुए हैं पैराशूट के, इसके अंदर छोटी सी मोटर चल रही होती है, वो एयर के साथ इसको रखती है ऐसी, इसी तरह। 150 रुपया देगा। ये सारे कॉस्ट्यूम्स हैं, ये देखें, बच्चे बहुत प्यारे लग रहे होते हैं जब हैलोवीन आती हैं, जब वो बाहर होंगे ना मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वो भी घरों को नॉक करते हैं एंड देन वो कैंडीज मांगते हैं। देखें शूज़ भी हैं उनको, ये देखें, ये सारा मेकअप का है पूरा, अपने फेस को अच्छे से करो, हेयर्स का बना हुआ है, ये विग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये स्केरी मेकअप्स हैं सारा फेस पे लगाने के लिए, ये इनके मास्क हैं, ये देखें, ये शूज भी हैं पड़े हुए, ये भी सम स्टफ है। ये शायद छोटे बच्चों के कॉस्ट्यूम्स हैं, जो 2 साल के 3 साल के, उनके सारे कॉस्ट्यूम्स पड़े हुए हैं। ये सारा बिजनेस है, ढेर सारा पैसा कंपनियां स्पेंड करती हैं, फिर लोगों के पास इतना पैसा है उनको खरीदने के लिए, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। ये देखें, टी शर्ट्स भी हैं, मेरी समझ से तो बाहर है कि ये इसको सेलिब्रेट करने का क्या है रीज़न, क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और यहाँ पे ये लोग काफ़ी इस चीज़ में इन है, ये देखें कपड़े भी हैं,
ये देखिए ना, ये डंकन डोनट है, इन्होंने भी इसको डेकोरेट किया हुआ है हैलोवीन थीम के साथ। ये देखें ये सारी चीजें। हाँ जी गाइस, व्यूज देखें और वेदर देखें कितना खूबसूरत है। और मैंने अपने सारे काम शाम कर लिए हैं एंड देन अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करने जा रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी एफर्ट किया है, घर से बाहर जाके मैंने काफ़ी जगहों से कैप्चर्स की हैं चीज़ें। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब लोग जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर जाऊँ और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँ। ज़रा उससे आपको पता है ना, मोटिवेशन बहुत होती है फिर। तो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए।